जय हिंद। मैं राकेश साहू पीसी अकेडमी से। आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप एट। मान लीजिए प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 5,000 रुपए थे। उसने 5,000 रुपए के कुछ भाग उसने 5,000 रुपए के कुछ भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। दो वर्ष बाद उसे 4.2% औसत वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष बाद उसे 4.2% औसत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। उधार दिए गए दोनों मूलधन क्या होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने का पहला मेथड देखिए, जो कि जनरल मेथड है, जिस आधार पर आपको मेंस में लिखना है। पहला मेथड देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने का दो मेथड है। पहले मेथड को ही आपको मेंस में अप्लाई करना है, जबकि दूसरा मेथड जो मैं बताऊंगा वो एक शॉर्टकट मेथड होगा, जिसे आपको प्री में यूटिलाइज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला मेथड देखिए, एक व्यक्ति के पास 5,000 रुपए थे। सबसे पहले देखते हैं, एक व्यक्ति के पास 5,000 रुपए थे। 5,000 रुपए में से उसने कुछ भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसने उधार दिया। दो वर्ष बाद उसे 4.2% औसत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो दिए गए दोनों मूलधन हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले मेथड में हम मान लेते हैं कि माना कि पहला भाग या पहला मूलधन x रुपए, तो ऑटोमेटिकली दूसरा भाग हो जाएगा
5000 रुपए में से पहले भाग को आप घटा दीजिए। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना कि पहला भाग x रुपए है, तो देयरफॉर आ जाएगा मूलधन का दूसरा भाग या दूसरा मूलधन बराबर हो जाएगा 5000 माइनस x रुपए, 5000 माइनस x रुपए। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, पहले भाग को 5000 रुपए के पहले भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। 2 वर्ष बाद इसे 4.2% औसत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहले भाग का साधारण ब्याज, पहले भाग का साधारण ब्याज अगर हम निकालते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × R × T/100। तो यहां पर पहले भाग का साधारण ब्याज, पहले भाग का साधारण ब्याज अर्थात SI1, पहले भाग का साधारण ब्याज प्लस दूसरे भाग का साधारण ब्याज को अगर जोड़ेंगे तो कुल साधारण ब्याज या कुल औसत साधारण ब्याज आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो पहले भाग का साधारण ब्याज फॉर्मूला होगा P × R × T। तो यहां पर पहले भाग के लिए अगर हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट अर्थात मूलधन है X रुपीज, इसका मतलब ये P × R, R की वैल्यू पहले भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया। तो 4 ब्याज की दर है, यहां पर वार्षिक ब्याज की दर है 4 × T, समय यहां पर दिया गया है 2 वर्ष बाद, अर्थात समय यहां पर है 2 वर्ष, बटा 100। तो ये पहले भाग का साधारण ब्याज प्लस दूसरे भाग का साधारण ब्याज, ध्यान दीजिएगा पी प्रिंसिपल अमाउंट है दूसरे भाग का 5000 माइनस x × R, दूसरे भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया इंटू समय तो रहेगा 2 वर्ष, बटा 100 बराबर कुल औसत ब्याज आ जाएगा जिसकी दर दिया गया है 4.2%। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर कुल अमाउंट है 5000 रुपए, तो P की वैल्यू 5000 × R, R की वैल्यू है 4.2% इंटू समय तो 2 है, बटा 100। अब यहां पर नोटिस कीजिए कि यहां पर समय है 2 वर्ष, यहां भी समय है 2 वर्ष, यहां भी समय है 2 वर्ष, अर्थात यहां से 2-2 को कॉमन कर लीजिए तो इस 2 से कट जाएगा। अर्थात इस प्रकार के प्रश्न में यहां 2 वर्ष दिया हो, 1 वर्ष दिया हो, 3 वर्ष दिया हो, 5 वर्ष दिया हो, 10 वर्ष दिया हो, यह समय ऑटोमेटिकली कट जाएगा, अर्थात यहां पर समय का कोई औचित्य नहीं है। यहां पर 1 वर्ष दे, 2 वर्ष दे, 3 वर्ष दे, 5 वर्ष दे, 10 वर्ष दे, 20 वर्ष दे, कितना भी समय यहां पर दिया जाएगा यह ऑटोमेटिकली समय यहां से देखिए 2-2-2 कट जा रहा है, तो समय का कोई औचित्य नहीं है। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा यहां पर देखिएगा 2-2-2 ऑटोमेटिकली कट चुके हैं, तो ये बचेगा आपका 4x। यहां देख रहे हैं 100 और 100 है, तो 100 और 100 का एलसीएम आएगा 100, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस, यहां से 2 कट चुका है तो सिर्फ बचेगा 5, तो ये हो जाएगा, यहां पर 2 कट चुका है तो सिर्फ बचेगा 5, 25000 माइनस ये हो जाएगा 5x बराबर, यहां आएगा 2 कट चुका है, 42 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 है, तो 4.2 और 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 10 = 0, हासिला 1, 5 × 20 = 21, यहां से 3 जीरो में से 1 जीरो दशमलव में जा चुका है तो 2 जीरो, तो 21000 बटा 100। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से 100 को 100 कैंसिल कर दीजिए, 5x में से 4x जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस एक्स प्लस, यह आपका आएगा 25000 बराबर, इस तरफ है 21000, माइनस एक्स को पक्षांतर कीजिए तो देयरफॉर एक्स बराबर होगा 25000 में से 21000 जाएगा, ये आएगा आपका 4000। तो पहला भाग होगा 4000, तो दूसरा भाग ऑटोमेटिकली हो जाएगा 5000 माइनस 4000 1000। तो ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर पहला मूलधन या पहला भाग बराबर होगा x, और x बराबर आपका आ गया 4000 रुपए।
इसी प्रकार से दूसरा भाग बराबर है 5000 माइनस एक्स बराबर ये आ जाएगा आपका 1000 रुपए। तो यही दोनों है आपका अभीष्ट आंसर। इसी प्रश्न को आप एक सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेंस में आपको इसी तरीके से लिखना है, सिस्टमैटिक तरीके से। प्री में आप एक शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसी को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा, इसी प्रश्न को हम एक दूसरे तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने यहां पर समझ लिया कि इस प्रकार के प्रश्न में समय का कोई औचित्य नहीं है। एक वर्ष हो, दो वर्ष हो, तीन वर्ष हो, पांच वर्ष हो, 20 वर्ष हो, अर्थात यहां समय ऑटोमेटिकली कट जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम देख रहे हैं इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से। एक व्यक्ति के पास 5000 रुपए थे, उसने 5000 रुपए के कुछ भाग को, अर्थात इसने पहले भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया तथा दूसरे भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। देखिएगा, 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति को 4.2% औसत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। पहला भाग का प्रतिशत, दूसरे भाग का दर का प्रतिशत, यहां पर औसत वार्षिक ब्याज की दर है 4.2%। ध्यान दीजिएगा, 4.2%। यहां पर इसे बीचों बीच लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, पांच में से 4.2 जो है छोटा है, तो 5 में से 4.2 को घटाइए तो यह आ जाएगा 0.8%। यहां 4 के कंपैरिजन में 4.2% छोटा है, बड़ा है, तो 4.2 में से 4 को घटाइए तो यह आ जाएगा 0.2%। तो यह पहले भाग का अनुपात होगा और यह दूसरे भाग का अनुपात होगा। तो देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं पहला भाग अनुपात दूसरा भाग, पहला भाग अनुपात दूसरा भाग बराबर, पहला भाग होगा 0.8% अनुपात, दूसरा भाग होगा 0.2%। इसे हम लिख सकते हैं पहला भाग अनुपात दूसरा भाग बराबर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 8:2। तो ये हो जाएगा 2 × 8 अर्थात 4:1। तो पहले और दूसरे भाग में 4:1 का अनुपात होगा। ध्यान दीजिएगा, तो देयरफॉर आनुपातिक योग बराबर आएगा 4+1=5। आप समझिएगा, यहां पर पहला भाग और दूसरा भाग निकालना है, तो देयरफॉर पहला भाग बराबर कुल अमाउंट है 5000 रुपए। तो 5000 × पहले भाग का अनुपात है 4, तो 4/2 दोनों अनुपात का समेशन है 5/5 बराबर 5 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 1000 अर्थात यह आ जाएगा कुल 4000 रुपए। इसी प्रकार से निकालेंगे दूसरा भाग बराबर कुल रकम है 5000 रुपए × यहां पर दूसरे भाग का अनुपात है 1/2 अनुपातिक योग है 5 से काटेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1000 × 1000 = 1000 तो यह आ जाएगा 1000 रुपए। और यही दोनों है अभीष्ट आंसर। तो यह एक शॉर्टकट मेथड है जिसे आप प्रीलिम्स में यूज कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, इसी के अंतर्गत हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति के पास 15000 रुपए थे, उसने 15000 रुपए के कुछ भाग को 15% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। 5 वर्ष बाद उसे 12%
औसत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त हुआ, उधार दिए गए दोनों भाग क्या होंगे? ध्यान दीजिएगा, इसे हम पहले मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। माना कि पहला भाग एक्स रुपए है, तो देयरफोर दूसरा भाग बराबर होगा, कुल रकम है 15,000 रुपए, अर्थात 15,000 रुपए माइनस एक्स रुपए होगा। ध्यान दीजिएगा, जबकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, तो देयरफोर पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट प्लस दूसरे भाग का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा कुल सिंपल इंटरेस्ट के। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा P, प्रिंसिपल अमाउंट है एक्स रुपए इंटू आर, पहले भाग के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% इंटू टी, टी की वैल्यू होगी 5 वर्ष बटा 100, प्लस दूसरे भाग का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल अमाउंट है 15,000 माइनस एक्स इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, समय है 5 वर्ष बटा 100 बराबर, यहां पर लिखेंगे पूरा सिंपल इंटरेस्ट 5 वर्ष के लिए 12% औसत आ रहा है, यहां पर कुल रकम है 15,000, तो ये लिखेंगे 15,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 12% इंटू समय तो 5 वर्ष है बटा 100। अब देखिए समय यहां पर 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष तीनों में कट जाएगा, तो अल्टीमेटली यहां बचेगा 15x, 100 और 100 का एलसीएम आएगा 100, तो ये आ जाएगा आपका 15x प्लस 5 कट चुका है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 टाइम 0 माइनस ये हो जाएगा 10x बराबर, यहां से 5 कट चुका है, 15 × 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा 15 × 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 5 = 60 का 0 हसलाया 6, 12 × 12 = 6 = 18, 180 और ये 3 0, 180 और ये 3 0 बटा 100, देखिएगा यहां पर 100 से 100 को कैंसिल कर दीजिए तो यहां आ जाएगा आपका, ये आएगा 15x और ये 10x माइनस 10x, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 15 4 times 0 बराबर, यहां पर है 18 4 times 0, तो यह आ जाएगा आपका 5x बराबर 4 0 में से 4 0 जाएगा तो 4 0, 18 में से 15 जाएगा यह आएगा आपका 3, तो therefore x बराबर 5 से काटेंगे 5 6 30 6,000, अर्थात पहला भाग होगा 6,000 रुपए, तो therefore पहला भाग बराबर x बराबर 6,000 रुपए, दूसरा भाग बराबर होगा 15,000 माइनस x, 15,000 में से 6,000 जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 15,000 में 6,000 जाएगा, यह आपका आएगा 9,000 रुपए। तो इसी प्रकार से अभीष्ट आंसर है पहला भाग 6,000 रुपए, दूसरा भाग 9,000 रुपए। इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, देखिएगा यदि इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में यूटिलाइज करेंगे, मेंस के लिए आपको यह सिस्टमैटिक तरीका ही यूज करना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति के पास 15,000 रुपए थे, इसको वो दो भाग में डिवाइड करके देता है उधार, पहले भाग को 15% वार्षिक ब्याज की दर पर, दूसरे भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो उसे औसत प्राप्त होता है 12%। ध्यान दीजिएगा यहां पर देख रहे हैं कि 10 और 12 में 12 बड़ा है, तो 12 में से 10 गया यह आ जाएगा 2%, 15 में से 12 गया यह आएगा आपका 3%, तो यहां पर लिख सकते हैं देयरफोर पहला भाग अनुपात दूसरा
भाग, पहला भाग है आपका 2% अनुपात, दूसरा भाग है 3%। तो यह ओवरऑल आ जाएगा 2:3, तो देयरफोर आनुपातिक योग बराबर हो जाएगा 2+3, अर्थात ये अल्टीमेटली आएगा 5। तो देयरफोर हम लिख सकते हैं पहला भाग बराबर, कुल रकम है 15,000 रुपए, तो 15,000 में से पहला भाग निकालेंगे, पहला भाग का अनुपात है 2 / आनुपातिक योग है 5, 5 × 3 = 15, तो यह आ जाएगा 6,000 रुपए। 6,000 रुपए दूसरा भाग रकम का, दूसरा भाग बराबर होगा कुल रकम है 15,000 × इसका अनुपात है 3/5, 5 × 3 = 15, तो यह आ जाएगा आपका 3 × 3 = 9, 9,000 रुपए। इस मेथड को आप मेंस में यूटिलाइज नहीं कर सकते, यदि आप इस मेथड से बनाएंगे मेंस में तो आपके नंबर कट जाएंगे। इस शॉर्टकट मेथड को सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में ही हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमने निकाला रकम, पहला भाग 6,000 रुपए, दूसरा भाग 9,000 रुपए।